नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। बहुत सालों बाद भयंकर सर्दियां पड़ रही है, पहाड़ों में बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही और प्लेन्स में धूप बहुत कम आ रही है। जैसे हिमाचल में कहते हैं ना कि धूप नहीं खिल रही, खैर वहां पे तो खिल जाती है, बट मानिएगा मेरी बात, प्लेन्स में धूप वाकई ही नहीं खिल रही। बहुत कम सनलाइट देखने के लिए मिल रही है, आती है तो बहुत लेट। ऐसी सर्दियों में, ऐसे दिनों में बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये महीने निकालने बड़े मुश्किल होते हैं, बड़ी उदासी महसूस होती है। ये उदासी क्या है? क्या ये पैटर्न है जो आपको पिछले साल भी महसूस हुआ था, इस साल भी महसूस हुआ? हर सर्दियों में आपको ऐसा लगता है कि मन बहुत उदास है, इसे विंटर डिप्रेशन बोलते हैं। हिमाचल वायर की वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपा राठौर, उन्होंने हमें विंटर डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स, कॉजेज क्यों होता है, इसे समझे कैसे, क्या रेमेडीज है, उन सब के बारे में बताया। ये एक ऑन कॉल इंटरव्यू है, इसे पहले सुन लेते हैं। हेलो डॉक्टर दीपा, वेलकम टू हिमाचल वायर। हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? इज इट वेरी कोल्ड इन शिमला? स्टिल स्नोइंग? या, इट्स स्नोइंग एंड इट्स बिट कोल्ड हियर, बट स्टिल वेरी एंजॉयबल। आई एम श्योर इट इज। बट डॉक्टर दीपा, हां जी, प्रेजेंट इट्स ऑल वाइट आउटसाइड, इट्स ऑल वाइट, सिल्वर, ग्लोइंग? या, ग्लोइंग, यस। ओह, दैट्स ब्यूटिफुल। बट इस ग्लोइंग पूरे वेलवेट शीट के साथ में देर इज अ प्रॉब्लम विच कम्स अप एवरी विंटर विच इज कॉल्ड विंटर डिप्रेशन। दैट्स व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू। आज विंटर डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप प्लीज बताएं कि ये क्या होता है और साइंस क्या है इसके, हम किस तरीके से इसको समझे कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये एक सीजनल चीज है और इसके आप ट्रीटमेंट्स और बाकी चीजें तो बताएंगे ही। ओके, ठीक है। ये विंटर डिप्रेशन, जैसे कि आपने इसका एक कॉमन नाम बताया है, इसको हम साइकेट्री में एक टर्म कहते हैं, दिस इज नोन एज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एसएडी। ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन ही है, इट इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन और ये इट इज रिलेटेड टू चेंज इन सीजन्स। सो डॉक्टर दीपा, हम ये माने कि ये सिर्फ 2 से 3 महीने रहता है जो विंटर सीजन है, उसके बाद में इट क्योर्स इटसेल्फ? यस, इट क्योर्स इटसेल्फ, बट ये बेसिकली जब आपका ऑटम सीजन एंड होने लग जाता है तो यूजुअली कई लोगों में सिम्टम्स वहां पे भी देखे गए हैं एंड इट कंटिन्यूज टिल द विंटर मंथ्स। ओके, बट जो इसके सिम्टम्स हैं, इट इज सीम लाइक यू नो, इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन पीपल हु हैव जस्ट विंटर डिप्रेशन। ज्यादा चांसेस उन लोगों में देखे गए हैं जो डिप्रेशन या बाइपोलर से या एंग्जाइटी से सफर करते हैं। एंग्जाइटी तो आजकल बहुत कॉमन है, पीपल डोंट रियलाइज दैट दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, बट इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और तभी मेरे ख्याल से वो कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये जैसे हम विंटर डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं जो हम यूजुअली देखते हैं लोगों में या जब पेशेंट्स भी हमारे पास ये शिकायत लेके आते हैं, तो इसमें बेसिकली जो बात करी गई है, जो सिम्टम्स भी कॉमन मैन में भी देखा जाएगा जिसको हम क्लिनिकली नहीं डायग्नोज करते हैं, बट कॉमनली जो देखा गया है वो है थकावट, ध्यान ना लगा पाना और एक जनरल लेवल पे एक उदासी महसूस होती है जिसको हम जनरल सैडनेस कहते हैं। ये बेसिक सिम्टम्स हैं, लेकिन ये हम एक नॉर्मल डिप्रेशन में भी देखते हैं। अगर एक इंडिविजुअल को लगता है, एक पर्सन को लगता है कि जैसे ही हमारा ऑटम सीजन खत्म होने लगता है, विंटर शुरू हो जाती है और इस तरीके के वो साइंस अपने आप में देखते हैं, तो उसको इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यस, बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं। मैंने बहुत बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि सर्दियों के दिन निकालने बड़े मुश्किल रहते हैं, मन बड़ा उदास होता है। जी, तो ये आपने इसके साइंस बताए कि ये साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, तो शुड वी सी अ डॉक्टर इफ समबडी फील्स कि ये हो रहा है रेगुलर?
बिल्कुल इसमें एक चीज जैसे मैंने आपको बताई है, ये जो बेसिक सिम्टम्स मैंने आपको डिप्रेशन के बताए हैं, अगर इन सिम्टम्स के साथ साथ कुछ बेसिक सिम्टम्स और हैं जो स्पेसिफिकली विंटर डिप्रेशन के हैं, फॉर एग्जांपल ओवर स्लीपिंग, अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है और साथ में आपको लगता है कि आपकी भूख में भी बदलाव आ गया है और आपकी जो क्रेविंग है फूड के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और स्पेशली वो जो क्रेविंग है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ है, और आपको लगता है कि आपका वेट भी ज्यादा गेन हो रहा है, और एनर्जी वाइज यू फीलिंग लो फॉर नो रीजन, थकावट महसूस हो जाना, और आपको ये भी पता है कि विंटर्स में आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिर भी आपको लो एनर्जी फील होती है, देन इट शुड दी साइंस शुड नॉट बी इग्नोर्ड. ये कहीं ना कहीं विंटर डिप्रेशन या जिसको हम टेक्निकली सीजनल मूड डिसऑर्डर या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, ये उसके साइंस हैं. डॉक्टर दीपा, कई लोगों का ये मानना होता है कि सर्दियों में जो हम खाते हैं वही हमें पूरे साल हेल्प करता है, तो पीपल हॉग ऑन फूड, बहुत ज्यादा सर्दियों में खाते हैं, ये भी वन ऑफ द साइंस है, बट ये इसमें कवर हो जाता है कि आप खूब सर्दियों में खाएं अच्छे तरीके से, तो हाँ जी है ना, तो हाउ इट शुड बी डेल्ट विद, मतलब खाना और डिप्रेशन जो है वो किस तरह लिंक्ड है. इसमें पहली चीज तो ये है कि जब आपको ये सिम्टम्स सामने आते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को जरूर मिल लें, बिकॉज डॉक्टर को कंसल्ट करना इसलिए जरूरी है इसमें, बिकॉज पहली चीज है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कुछ एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ जो फिजिशियन है या साइकेट्रिस्ट हैं, तो वो कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, उससे हमें क्लियर हो जाता है कि दिस पर्सन इज अंडर विंटर डिप्रेशन और डिप्रेशन, फिर थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो उससे हमें क्लियर हो जाता है, एंड वी मेक इट क्लियर फॉर दी टू द इंडिविजुअल ऑल्सो कि आप एक डिप्रेशन से ग्रसित हैं. तो जैसे कि आपने खाने की बात करी है, तो इसमें हम जब उनको कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं या जब हम उनकी थेरेपी करते हैं, तो इसमें जो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है, तो ट्रीटमेंट में बेसिकली ये है कि ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स पे तो उनको हम डालते ही हैं जी, बिकॉज जहां तक एक इंडिविजुअल की बात है, सी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, और उसका जो बिहेवियर है, जो उसका सोचने का तरीका है, वो भी डिफरेंट है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी पर्सन हु इज फीलिंग सच सिम्टम्स, ही शुड ऑलवेज सी योर डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाएं जाके. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, अगर इसको होने दें और इग्नोर करें तो क्या रिस्क हो सकता है? इसके जो अगर हम रिस्क की बात करें तो पहली चीज ये है कि ये उन लोगों में ज्यादा है जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन या एंग्जाइटी पास्ट में ऐसे कोई सिम्टम्स रहे हों, और ये एग्रावेट हो सकते हैं आगे के लिए, विच कैन लीड टू मेजर डिप्रेशन, नॉट ओनली फिर सीजनल, वो इतना बढ़ जाएगा कि इट कैन लीड टू अ डिप्रेशन थ्रू आउट द ईयर. अच्छा, हाँ जी. और दूसरी चीज इसमें ये है कि जो दूसरी चीज ये है कि जिसने लास्ट ईयर भी ऐसा महसूस किया हो ड्यूरिंग दीज मंथ्स, विंटर मंथ्स में, तो उनको अपनी दे शुड बी केयरफुल कि ये सिम्टम्स फिर से वो फील कर सकते हैं. हाँ जी. तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है डॉक्टर दीपा? इसमें ट्रीटमेंट के बेसिकली जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो उससे पहले अगर हम कुछ कॉजेस को फोकस करेंगे, तो देखा गया है कि इसका जो मेन कारण देखिए, पर्टिकुलरली विंटर डिप्रेशन की मैं बात कर रही हूँ जी, इसके एक तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, विच इज इंटरनल फिजियोलॉजिकल बैलेंस, जिसके हिसाब से हम टाइमली सोते हैं, टाइमली उठते हैं, लेकिन जब ये विंटर शुरू होती है और ऑटम सीजन हमारा खत्म होता है, तो देखा गया है कि जो सनलाइट का लेवल है वो कम हो जाता है जी. और उसकी वजह से ये विंटर डिप्रेशन का ऑनसेट हो जाता है. तो ये तो बेसिकली जो ये डिक्रीज इन सनलाइट है, ये हमारी जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक है, ये इसको डिस्टर्ब कर देती है, एंड इट लीड्स टू द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड सैडनेस. एक और जो कॉज इसमें देखा गया है, वो है हमारी बॉडी में एक न्यूरो ट्रांसमीटर, एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, इसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं. तो ये देखा गया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ विंटर सीजन, ये
सेरोटोनिन का लेवल भी कम हो जाता है. रीजन बीइंग अगेन इट्स दी बिकॉज हमारी जो सनलाइट नेचुरल सनलाइट है वो ड्रॉप हो जाती है, उसकी वजह से सेरोटोनिन का जो लेवल है वो उसको ट्रिगर कर देता है और उसका रिलीज कम हो जाता है. अच्छा. उसकी वजह से भी बिकॉज सेरोटोनिन अफेक्ट करता है हमारे मूड को, तो ऑटोमेटिकली जब लाइट सनलाइट नेचुरल सनलाइट कम होगी तो सेरोटोनिन लेवल कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड भी लो डाउन, हम लो फील करना शुरू कर देते हैं. हाँ जी, तो इसमें ये बेसिक है. लेकिन एक और चीज, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आपने मुझसे पूछा भी कि इसमें एपेटाइट ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो इट इज अगेन एक देर इज वन मोर केमिकल, इट इज नोन एज मेलाटोनिन. उसका लेवल भी इसमें जो हमारा रिलीज होता है बॉडी में उसका बैलेंस भी डिस्टर्ब्ड हो जाता है ड्यूरिंग सीजन ऑफ विंटर. तो ये सारी चीज, हाँ जी, उससे हमारा एपेटाइट और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है. तो बेसिकली ये जो हम रात को एक जो सोने का टाइम है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, वी प्रेफर स्लीपिंग. ओके, यस. और somebody who has sleeping, किसी को नींद ना आती हो तो दैट इज दैट अ साइन ऑफ डिप्रेशन इज वेल? नो, इन केस ऑफ व्हेन वी टॉक पर्टिकुलरली अबाउट विंटर डिप्रेशन, इट इज लाइक इन दैट केस जो जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं दे फील लाइक स्लीपिंग, दे मे नॉट स्लीप बट दे फील लाइक स्लीपिंग, मतलब लेथार्जिक फील करना. हाँ एग्जैक्टली, इट इज लाइक आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता है. अच्छा, हाँ, ट्रीटमेंट क्या है इसमें? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो एक तो हमारा मेडिकेशन आता है जिसमें पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट पे डाला जाता है. इसके बिसाइड्स देर इज वन थेरेपी विच इज नोन एज लाइट थेरेपी. ये लाइट थेरेपी बेसिकली इट इज अ थेरेपी जो एक लाइट बॉक्स होता है एंड इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, जिसके थ्रू एक सिग्निफिकेंट ब्राइट वेवलेंथ फ्लैश की जाती है. इस नाम विच इज नाम होता है इस लाइट बॉक्स का, अगर ऑनलाइन इसको लाइट बॉक्स ही कहते हैं, विच इज यूज बेसिकली फॉर लाइट थेरेपी. इसको लाइट इसको अपना लाइट बॉक्स के नाम से ही जाना जाता है. अच्छा, हाँ जी. तो इसके जो ये जो वेव्स एमिट करती है इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू ऑफ नेचुरल सनलाइट के बराबर होती है ये. अच्छा, हाँ जी. तो इसमें ये अगर आप इसके लिए ये जहाँ थेरेपीज प्रोवाइड भी होती है, बिसाइड्स दैट अगर हम इसको यूट्यूब वगैरह पे भी देखेंगे और ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है. अच्छा. इसको हम रिकमेंड करते हैं अगर कोई पूरा दिन में 30 मिनट्स इसको वेवलेंथ को एक्सपीरियंस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी की उसको ये स्टिम्युलेट कर देता है. अच्छा. और जैसे मैंने आपको कहा था कि इसे जो हमारा मेलाटोनिन लेवल है उसका ये जो रिलीज है वो अपने आप नेचुरल उसमें वो उसको इक्वल कर देगा. अच्छा, तो बेसिकली हाँ, अच्छा. तो बेसिकली आपकी स्लीप पैटर्न जो साइकिल है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी. हाँ जी. अच्छा. तो ये एक वेरी कॉमन थेरेपी इस, दिस इज बेसिकली यूज इन पर्टिकुलर विथ द सीजनल डिप्रेशन. ये बहुत ही टेक्निकल है इस्तेमाल करने के लिए या फिर पढ़ के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के किया जा सकता है? नहीं नहीं, इसमें अगर आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो आपको बता देंगे. मैं आपको वही जैसे हम जब डायग्नोज करते हैं तो हम पेशेंट को बताते हैं कि इज इट जो आप डिप्रेशन है ये माइल्ड है मॉडरेट है, तो ये डिपेंड करेगा उसके कि उसकी जो डिप्रेशन का लेवल है वो कितना ज्यादा है. तो बेसिकली उसमें हम उनको कहते हैं कि आप 30 मिनट्स इसको इसका जो लाइट है इस फ्रंट उसके आगे बैठ जाइए. और इसमें बेस्ट कहा जाता है कि अगर ये जो 30 मिनट्स का आप लाइट का जो एक्सपोजर होगा, इफ यू डू इट बेस्ट इन द मॉर्निंग इट्स बेस्ट फॉर यू, सबसे अच्छा रहता है. हाँ जी डॉक्टर दीपा, क्योंकि हमने इस कॉल पे लाइट बॉक्स के बारे में बात कर ली है. हाँ जी, हाँ जी. आपने ये भी बता दिया कि ये आपको यूट्यूब पे इस्तेमाल किस तरह करते हैं पता चल जाएगा, अवेलेबल है. हाँ जी, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको चलाना सीखेंगे और ऑनलाइन उसको ऑर्डर भी करें, तो आप प्लीज ये भी बता दीजिए कि डज इट हैव, इसके साइड इफेक्ट कुछ हो सकते हैं, यूज का ऑर्डर कर लेना चाहिए ठीक रहेगा? नहीं, इसमें पहली चीज इसका साइड इफेक्ट्स एज सच नहीं है, बट इसमें ये भी देखा गया है कि लोग इसको थ्रू आउट द ईयर भी यूज करते हैं. अच्छा. तो वी डोंट वांट कि डिपेंडेंसी हो जाए और जो नेचुरल थेरेपी है आप उसको अवॉइड करें, तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. तो
इसीलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद ही इन थेरेपीज में जाएं। ये बेसिकली ऑल्टरनेट्स हैं, तो ये ऑल्टरनेट आपको थेरेपी देना वो डॉक्टर का काम है, वो बेस्ट बताएगा कि ये आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी, जैसे आप बता रही हैं कि ये सनलाइट की कमी को कॉम्पेंसेट करता है, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल D3 बहुत ड्रॉप हो जाता है, कैल्शियम लेवल जो सनलाइट से हमें मिलता है, क्या ये उसको भी ठीक करता है? हाँ बिल्कुल, मैं उसी चीज पे अभी आ रही थी। तो इसमें विटामिन डी हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है, तो बिकॉज जो हमें नेचुरल सनलाइट से मिलता है, तो इसमें ये देखा गया है कि वहां पे भी हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि प्लीज आप एक बार ही अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लीजिए, इन केस वहां पे कुछ हमें कमी लगती है तो डॉक्टर्स उनको विटामिन सप्लीमेंट्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी थेरेपी इसमें ट्रीटमेंट मानी गई है टू गेट मोर विटामिन डी। ये हाँ जी, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना। हाँ जी हाँ जी, एक इसमें एक और भी है, जैसे कि हम मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो वी यूजुअली नाउ डेज हम लोग अलार्म अपने फोन पे रखते हैं जी, तो शुरुआत हुई थी ये एक हमारी नॉर्मल अलार्म क्लॉक से टू गेट अप इन दी मॉर्निंग जी, लेकिन अपने ये जो मूड का जो हम अर्ली मॉर्निंग विंटर्स में फील करते हैं दैट वी वांट टू स्लीप फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इसको भी ओवरकम करने के लिए एक डॉन स्टिम्युलेटर्स डिवाइसेस है, ये अलार्म क्लॉक की तरह ही है बट ये एक सडन लाउड म्यूजिक या साउंड एब्रप्ट साउंड या बीपिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रेजुअली अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं एंड इट्स जस्ट लाइक यू फील कि आपके रूम में नेचुरल सनलाइट आ गई है एंड इट हां जी, और उससे ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड यू फील लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड यू फील फ्रेश। क्या नाम बताया आपने इसका? इनको डॉन स्टिम्युलेटर्स कहते हैं। डॉन स्टिम्युलेटर्स, हां जी हां जी। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करते हैं कि ये जब डॉक्टर से हम मिलते हैं तो कभी किसी केसेस में एंटी डिप्रेसेंट्स भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अब एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारी दिमाग को स्लो कर देंगी, हमें नींद बहुत ज्यादा आएगी, तो जो काम हम कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो हमें स्लो नहीं होना, इसलिए मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं खाने हैं। हाँ जी राइट, नहीं दिस इज अ मिथ। एक्चुअली जो एंटी डिप्रेसेंट है वो बेसिकली इसीलिए दिए जाते हैं कि जो फीलिंग ऑफ लोनेस है, लो एनर्जी है, और जो बेसिकली जो हमारी ब्रेन में जो कुछ केमिकल्स हैं जो जिनका लेवल कम हो गया है, वो उसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो वो इसीलिए, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट, यू शुड नॉट गेट एंक्शियस कि कहीं मैं पूरी लाइफ इस पर डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगी, तो इट्स ओके। एंड इवन योर साइकियाट्रिस्ट और योर डॉक्टर विल नेवर सडनली स्टॉप योर मेडिसिन, इट विल बी डन विद यू नो स्लोली डिक्रीजिंग दी क्वांटिटी ऑफ दिस योर मेडिसिन। अच्छा, तो उसका कोई हार्म नहीं है, तो इसीलिए अब आपका डॉक्टर आपको कभी गलत प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। अगर उन्हें लगता है कि आप इट इज जस्ट अ माइल्ड डिप्रेशन और सिर्फ थेरेपी और काउंसलिंग और जो बेसिक साइकोथेरेपी वाला पार्ट है उसी से ठीक हो जाएगा, तो इनिशियली वो कहते हैं कि ठीक है। इवन द साइकियाट्रिस्ट दे से कि आप इनिशियली सिर्फ थेरेपी पे काम कीजिए, अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तब हम आपको एंटी डिप्रेसेंट्स पे डालेंगे। अच्छा डॉक्टर, हाँ दीपा, एक चीज जो कई बार ऐसे होता है कि नॉर्मली किसी को बहुत लो लग रहा है, मतलब कि किसी दिन किसी को लो फील हो रहा है, आमतौर पे उसको नहीं लो फील होता, तो ये चीज जब हो रही हो तो कोई ऐसा होम रेमेडी होती है या कोई ऐसी चीज होती है जो उस टाइम हम खा लें या पी लें, घर पे बना लें, वी फील बेटर समथिंग? इसमें बेसिकली जैसे हम विंटर डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ये सारी जो टेक्निकली अभी तक हमने बातें करी हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं है, तो बेसिक एक इंडिविजुअल जो हमारे जैसे शिमला या अपर रीचेस किन्नौर या स्पिति में रह रहा है जहां पे ये फैसिलिटीज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, तो उनके लिए बेसिक चीजें हैं कि एक तो आप कोशिश कीजिए कि जब मैक्सिमम सनशाइन अवेलेबल है तो अपने आप को अच्छे से वार्म कपड़े पहन के प्लीज थोड़ा सा वॉक कर जरूर कीजिए, मे बी फॉर 15 मिनट्स, बट ट्राई टू मेक इट जब मैक्सिमम सनशाइन अवेलेबल है। अच्छा, इट शुड बी लाइक आउटडोर्स, थोड़ा सा वॉक करके आइए एंड यू विल फील गुड।
अच्छा, दूसरी चीज है कि आपके जो अगर हम इंडोर की बात करें तो अपने रूम्स के जितने भी कर्टन्स हैं प्लीज उनको ओपन रखें एंड कोशिश कीजिए जितनी नेचुरल सनलाइट आपके रूम में आ सकती है ट्राई टू मेक योर एनवायरमेंट एज ब्राइट एज पॉसिबल. अच्छा, इसके साथ हम एक और चीज रिकमेंड करते हैं दैट इज नोन एज अरोमा थेरेपी. इट इज बेसिकली कि कुछ ये आपकी फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल होती हैं, ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें आपका एक बेसिकली लेवेंडर हो गया, रोज हो गया, या मे बी समथिंग ऑफ योर चॉइस जिसकी फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगती है, उस ऑयल की कुछ ड्रॉप्स आप सोने से पहले अपने पानी में डाल दीजिए एंड द वॉटर शुड बी वार्म. अच्छा, टेक अ बाथ and you will feel completely relaxed and you will definitely have a good sleep. अच्छा, ये रात को नहाने वाला आजकल विंटर्स में जरा दिक्कत हो जाती है बट ये एक अच्छी ऑप्शन है. हाँ जी, ये बहुत अच्छी, मतलब बेसिकली उन लोगों के लिए जो रात को दिन की नींद डिले होती है, इफ दे डू दिस फर्स्ट थिंग उनका एक तो जो मूड लो है वो ऑटोमेटिकली इट विल गेट एनर्जाइज, दे विल फील गुड एंड उनकी जो बॉडी है इट विल फील कम्प्लीटली रिलैक्स्ड. अच्छा, तो ये एक रिसर्च है ये जो कहते हैं कि एक नेचुरल मेडिसिन का काम करती है. अच्छा, हाँ जी, दैट्स वेरी नाइस. और किचन में हमारी कोई ऐसी चीज होती है जिसे हम खा सकते हैं उस वक्त? अगर हम खाने की बात करें तो इसमें बेसिकली ये है कि आप शुगर लेवल अपना कम रखें. अच्छा, एंड ट्राई टू ईट ड्राई फ्रूट्स. आप अपना ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप अपना डेट्स ले सकते हैं इस उसमें. हैव लॉट्स ऑफ गुड फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें, कोशिश करेंगे वो कम हो जाए. तो आप अगर ऑब्वियसली ठंडा पानी पीना मुश्किल हो जाता है तो ल्यूक वार्म वाटर इज वेरी गुड. एंड कोशिश कीजिए कि आप एक घंटे में कम से कम एक गिलास पानी जरूर पीजिए. अच्छा, ये एक बहुत अच्छा, मतलब दिस इज समथिंग विच विल कीप यू नो रिलैक्स्ड एंड थोड़ा सा एनर्जाइज फील होता है इन चीजों से. अगर ये सारी चीजें हम एक साथ मिक्सअप करके करें, इट इज नॉट समथिंग कि आपको एक ही चीज पे टिकना है कि ठीक है, इट इज जस्ट नॉट कि आप 10 मिनट 15 मिनट वॉक करके आ गए, आपने सनशाइन ले लिया एंड इट्स ओवर. दीज आर एक्चुअली दीज आर मल्टी थेरेपीज करेंगे इट विल बी हेल्पफुल. इसके साथ एक और ये जो रिसर्च कहती है कि ये दिक्कत जो विंटर डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, इट इज फाउंड इन पीपल हु स्टे फार अवे फ्रॉम इक्वेटर. इक्वेटर से जो लोग दूर रहते हैं, उनमें ज्यादा ये देखा गया है. तो हमारे इंडिया में तो ज्यादा होगा. ज्यादा है, बिल्कुल. तो इसमें एक इसका ये भी हम रिकमेंड करते हैं कि वेकेशन में वहां के लिए गो टू प्लेसेस टू साउथ, टूवर्ड्स साउथ. अच्छा, आपका आपके पास जितना अगर ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं तो अगर आप ये छोटी सी ब्रेक ले सकते हैं तो ट्रैवल जरूर कीजिए. और इस ट्रैवल को दिस विल बेसिकली हेल्प यू एस्केप फ्रॉम कोल्ड एंड ओवरकास्ट स्काइज. इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पिरिट्स लिफ्ट अप हो जाएंगी. जी एंड इससे थोड़ा सा ये सेकेंड थिंग क्या होगा, एंड यू विल बी एक्साइटेड व्हेन यू विल प्लान कि मुझे अच्छा यू नो आई हैव टू गो टू सम प्लेस टूवर्ड्स साउथ and you will start planning. जब आप plan करना शुरू कर देंगे you will feel excited and excitement will definitely lift your mood and this will go along जब आप vacation पे भी चले गए हैं. and even when you come back from your vacation at least 1-2 weeks तक वो excitement continue रहेगी और आपका mood uplift रहेगा. जी, ये तो एक fact है. हाँ जी, हाँ जी. तो ये basic, मतलब ये चीजें ऐसी हैं which will एक्चुअली हेल्प यू. ये कुछ, दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड बाय. ये कुछ चीजें हैं जो छोटे छोटे हेल्प करती हैं. जी जी जी, हाँ जी. इसके अलावा लाइक यू नो व्हेनेवर यू गेट टाइम एंड द बेस्ट थिंग इज लाइक बिफोर स्लीपिंग जरूर कुछ एक छोटा सा राइटिंग वाले, जैसे हमने पहले लास्ट उसमें भी बात करी थी कि यू शुड राइट डाउन योर थॉट्स एंड इट विल अपलिफ्ट योर मूड. अच्छा, और जो वो थॉट्स होंगे लेट देम कम हाउ एवर दे आर, वट एवर दे आर, वो चाहे आपको नेगेटिव कितना भी नेगेटिव क्यों ना फील करवाते हो बट एटलीस्ट राइट देम डाउन. वो आपको देन जब आप उनको लिखना शुरू करोगे यू विल रियलाइज कि यू नो ओके ये आई वॉज फीलिंग बैड बिकॉज ऑफ दिस, वो दिस वॉज नॉट एक्चुअली द रीजन. बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है. और ऑटोमेटिकली आपको उसका सोल्यूशन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा एंड यू विल फील मोर कंसर्न अबाउट योर थॉट
thoughts and your feelings. Mm-hmm. And the most important thing is you should be very proactive. Be proactive. कहने का मतलब है कि जो भी आपके आसपास आपकी सराउंडिंग्स में सिचुएशंस हैं, चीजें हो रही हैं, उसके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ना समझें. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके ये हो रहा है, ओके व्हाट इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ. तो जो भी चीजें हो रही है, हाँ जी, कि ओके ये जो भी हो रहा है मेरे पास इसका सोल्यूशन है और मैं इन चीजों को सॉल्व कर सकती हूँ. इससे आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे एंड आपकी जितनी भी नेगेटिव थॉट है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा. और अगर आपने जैसे बात करी कि जैसे कि हमारे जो अपर हायर शिमला एरिया है या किन्नौर वाला एरिया है जहां पे ये अगर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ और अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो बेस्ट टाइम है कि अपने घर पे कुछ पहले से ही कुछ मूवीज रख लीजिए, अच्छी अच्छी मूवीज देखिए, फैमिली के साथ डिनर कीजिए. ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो हाँ जी हो ही सकता है. हाँ बिल्कुल अपना और इस टाइम में हम प्रेफर करते हैं कि आप कैंडल लाइट डिनर्स थोड़ा अवॉइड करें एंड ड्राई लाइट्स, हाँ डिम लाइट्स अवॉइड करें. एंड जब आप डिनर भी कर रहे हैं तो दैट रूम शुड बी कम्प्लीटली लाइटेंड अप. एंड फ्रेंड्स के साथ यू नो यू कैन होस्ट पार्टीज एट होम, छोटी मोटी पार्टीज. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यूजली व्हाट देखा गया है कि इस दौरान जब लोग ऐसा मूड में चेंज फील करते हैं, दे फील लो इन देयर एनर्जी, तो वो लोग थोड़ा सा ड्रग्स और स्पेशली एल्कोहल की तरफ शिफ्ट होते हैं. तो इट इज आई वुड रिक्वेस्ट, मैं ये मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज को कम्प्लीटली अवॉइड करें. इट इज अ वेरी बैड ऑप्शन, ये बिल्कुल सही नहीं है बिकॉज लेटर स्टेजेस में डिप्रेशन विल लीड टू डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स. जी 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 राइट, यू सो राइट. डॉक्टर दीपा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, जो आपने डिम लाइट्स की बात करी, अगर हम स्पेसिफिकली हिमाचल की बात करें तो बहुत सारे एरियाज हैं सर्दियों में जहाँ पे काफी लाइट चली जाती है. लाइट जाती है, हाँ जी. तो ये जो लाइट जाना है ये इन चीजों को एग्रीवेट करेगा इंसान को. अगर ऐसा होता है तो उस वक्त वो क्या करे, उसके पास क्या सोल्यूशन होना चाहिए उस वक्त? देखिए जहाँ पे हिमाचल में वैसे तो कंपेरेटिवली हमने देखा है कि ये चीजें काफी डेवलप हो गई है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इनफैक्ट इस बारी एरियाज में डिस्कनेक्ट होता है कभी आधे दिन के लिए, चली रात में अक्सर चली जाती है. हाँ जी हाँ जी. तो इसमें ये चीजें हैं कि आप एक जैसा मैंने आपको ये अपना बॉक्स लाइट वाला बताया, ये उन लोगों के लिए है जिनको ऐसी दिक्कत रहती है. हाँ पर अगर गांव वालों की बात करें हम, जहाँ पे ये चीजें अवेलेबल नहीं हो, ऑनलाइन की इतनी अवेयरनेस नहीं हो कि अमेजोन पे कुछ देखें या फिर यूट्यूब से कुछ समझें, उन लोगों के पास एक क्विक फिक्स क्या हो या फिर क्या हो सकता है उनके घर पे अवेलेबल, या कोई बड़ी इजी चीज जो गांव में अवेलेबल हो? इसमें अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो इसके लिए बेस्ट है कि अगर आपके पास थोड़ा, हमने देखा है कि दिन में हमारे पास सनलाइट अवेलेबल होती है, नेचुरल सनलाइट हिमाचल में होती है. हाँ जी हाँ, ब्राइट लाइट होती है. तो आप ये इसमें बेस्ट है कि आप दिन के टाइम, इनफैक्ट अपना जो लंच टाइम भी है या कुछ इस तरीके का, वो नेचुरल सनलाइट में बैठ के कर सकते हैं. अगर आप बाहर खाना नहीं खा सकते तो अब हाँ, गांव में देखा गया है कि कुछ ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पे जो शीशे के बने होते हैं, तो उस रूम में बैठ के आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं. और जैसे आस पड़ोस में चले गए, इस तरीके का होता है. वॉक का मैंने आपको बताया, वॉकिंग कैन बी डन क्योंकि गांव आसपास है जहाँ पे पैदल चल के जाया जा सकता है. तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जी. तो ये हमारा क्रक्स ये है कि सनलाइट का पूरा फायदा उठाएं, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें. विंटर जो आपका मूड लो हो रहा है वो विंटर डिप्रेशन होता है एंड दैट इज ओके. आप बहुत ज्यादा, आपको हो रहा है उदास हैं, आप बहुत ज्यादा उदास हैं और पिछले साल भी ऐसा हुआ था या फिर एक रूटीन बन चुका है हर साल का, तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं, हेल्प लेना अच्छा है ना. अपने डाइट का ध्यान रखें और अपनी लाइफ स्टाइल करेक्शन तो हमेशा ही अच्छी चीज रहती है. एक करेक्ट करेक्ट, बस इसमें तीन चीजें जरूरी है कि अपने आप को बिजी रखें, एक्टिव रहें और हेल्दी रहें, अच्छा खाएं,
और पहले से ही आपको पता है कि विंटर्स में ये दिक्कतें आपको होती हैं, तो शुरू थोड़ा सा इनिशियली पॉइंट से ही अपना बेसिकली ऑटम टाइम से ही थोड़ा सा शुरुआत कर दें, अपने विंटर्स की प्लानिंग कर लें और अच्छा। अपने आप को एक्सरसाइज जरूर करें। अब एक्सरसाइज जैसे हम कहते हैं कि हम अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का, यू कैन नॉट रन, तो आप कुछ इस तरीके का ऑप्शन कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, या अगर अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ मशीन्स रख सकते हैं जिनके पास फाइनेंशियली प्रोविजन है, वो ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा राइट, सो थैंक यू डॉक्टर दीपा, इट इज ऑलवेज अ डिलाइट टॉकिंग टू यू। बहुत ज्यादा हेल्पफुल टिप्स मिलती हैं हमको, प्रॉब्ली बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे हैं वो अपने विंटर डिप्रेशन को फाइट कर सकेंगे और इसको एक इजी वे में अवॉइड कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आपसे दोबारा बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी एंड आई फील सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, फीलिंग इज म्यूचुअल। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा, हिमाचल वायर इज ऑब्लाइज टॉकिंग टू यू, इज ऑब्लाइज टॉकिंग टू यू। वेल, ये आपने सुना विंटर डिप्रेशन के बारे में। विंटर डिप्रेशन अब बहुत भारी लग रहा है, पर रेमेडीज है, हर चीज का सोल्यूशन है। वो कहते हैं ना, एवरी प्रॉब्लम कम्स विद इट्स सोल्यूशन, बस वो सोल्यूशन को जानना है, चीजों को पहचानना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसको इग्नोर करके इतना ना बढ़ा दें कि वो दिक्कत जो है छोटी सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, है ना। और लाइट बॉक्स के बारे में आप सभी जानना चाहेंगे, उस पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। इनफैक्ट आई ऑल्सो लाइक्ड इट। देखिए, सनलाइट एक्सपोजर हम सबकी लाइफ में बहुत कम है, विटामिन डी की कमी अक्सर पाई जाती है। कभी भी आप टेस्ट करवाने चले जाएं तो एक चीज है विटामिन डी जो कम होगी ही मैक्सिमम लोगों में, बच्चों में खासकर ये चीज देखी जा रही है। तो मुझे ये लाइट बॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर दीपा राठौर जो बात करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और उनको इस तरह समझाती हैं कि वो प्रॉब्लम तो होती है ये समझ आता है, लेकिन उससे ईजी और अवेलेबल उसका सोल्यूशन सामने नजर आता है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ दीज साइंस विंटर डिप्रेशन के। तो हिमाचल वायर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, और वीडियोज लेके आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।